कि बरोबर ये जो पावन बनने का अभ्यास कर रहे हैं, सिर्फ अभ्यास करते हैं थोड़े समय का, जब यहां थोड़े समय के लिए सत्संग में आते हैं उसमें भी क्या पता बुद्धि योग से दुनियादारी याद आती रहती है या बुद्धि एकाग्र रहती है सत्संग में, है? है? बहुत हैं जिनके वाइब्रेशन संग के रंग से, संग दोष से, अन्य दोष से वाइब्रेशन ही खराब हो गए, वो पावन नहीं बनते हैं प्रैक्टिकल में। क्या मन बुद्धि से विकारी संकल्प चलते हैं या नहीं चलते हैं? चलते हैं। दृष्टि से फिर पतित बनेंगे या नहीं बनेंगे? पतित दृष्टि वृत्ति बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। कि जो पावन नहीं बनते हैं, पतित हो करके बैठे हैं, अपन को बाप के सामने समझते हुए बैठे हैं, क्या वो त्रिकालदर्शी बाप का सामना करने वाले हैं, दुश्मन हैं? सामना कौन करता है, दुश्मन है या दोस्त हैं? है, डरते ही नहीं है। बच्ची ऐसे बहुत हैं। क्या कहा, इंद्र सभा में आने वाले ऐसे बच्चे जो आगे इंद्र सभा प्रत्यक्ष होगी, उस सभा में पहुंचने वाले हैं, समझते हैं कि हम पहुंचेंगे, परंतु ऐसे भिखारी अभी बहुत बैठे हैं। जब कहां भी इस दुनिया में जाते हैं, बॉम्बे में जाते हैं, माया की नगरी में, या दिल्ली में जाते हैं, जहां नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने वाला बाप बैठा हुआ है, तो दोनों ही स्थान पर, माया की नगरी हो चाहे बाप की नई दुनिया की राजधानी बनने वाली नगरी हो, कौन सी, दिल्ली, दोनों जगह बहुत ही पतित आकर के बैठते हैं। रात भर पतित बनते हैं और दिन में आकर बाप के सन्मुख आकर बैठ करके सोते हैं। क्या कहा, है? थक जाएंगे ना, तो बाप के सामने आकर के भी सामने बैठेंगे अड़ करके, देखो हम है, क्या बिगाड़ लोगे हमारा। ऐसे बहुत ही पतित आकर के बैठते हैं, तो पतित को अंदर नहीं आने देंगे। अंदर माने है रूहानी ब्राह्मणों के संगठन में नहीं आने देंगे। यहां सभा में आने ही नहीं देंगे। किसकी सभा में, यहां माने हैं, यहां माने ब्राह्मणों की दुनिया में, संगम युग की दुनिया में,
ब्राह्मणों की सभा में, पक्के ब्राह्मणों की सभा में या कच्चे ब्राह्मणों की सभा में? पक्के ब्राह्मणों की सभा में आने ही नहीं देंगे। देखो यादगार मंदिर बने हुए हैं टिकानों में, तब भी स्नान पानी करके, क्योंकि पतित तो है ही, भले स्नान करके आते हो यादगार मंदिरों में, भगत लोग आते हैं कि नहीं, तब भी कभी भी कोई मंदिर में आवेंगे, भले स्नान करके आते हैं तो भी पतित कहे जाएंगे या पावन है, है? ऐसी शूटिंग कहाँ होती है, ऐसी रिहर्सल कहाँ होती है? अभी संगम युग में बाप जहाँ आया हुआ है, जो बाप का घर मधुबन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मधुबन में मुरलिया बाजे, भगवान बाप आकर के जहाँ वाणी चलाते हैं वहां आने की शूटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? है, कर रहे हैं। तो ऐसा भी समय आएगा, ऐसे कोई भी आएंगे, बिगर स्नान कभी कोई मंदिर में जाते नहीं होंगे। इतनी भावना होती है कि नहीं भक्ति मार्ग में? कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार है कि ज्ञान स्नान करके घर में जाते हैं फिर पतित बनते हैं। तो अभी वो तो है स्थूल स्नान, काय का पानी का स्नान, और ये है फिर ज्ञान सागर में ज्ञान का स्नान। तो ज्ञान स्नान से, ज्ञान सागर के ज्ञान स्नान से, भगवान के ज्ञान स्नान से आत्माओं को पवित्र होना ही है या नहीं होना है? है, होना ही है, बिल्कुल शुद्ध होना पड़े। तो अपने आप अपनी बुद्धि से समझ करके, जैसे देव आत्माएं इशारों से समझती है, मनुष्य होंगे तो कहने से समझेंगे, बार बार सुनकर के समझेंगे, लेकिन जो न देवता बनते हैं न द्वापर कलयुग के मनुष्य बनते हैं, चंचल मनुष्य मन वाले, जो जानवरों की तरह, खूंखार जानवरों की तरह राक्षस बन करके बैठ जाते हैं भगवान की सभा में, वो है ही आसुरी संप्रदाय। कौन से संप्रदाय? रावण संप्रदाय, भले रावण के कोई भी मुख के संप्रदाय हो, रावण का चित्र है तो चरित्र करने वाले भी कोई होंगे या नहीं होंगे? है, प्रैक्टिकल में है।